वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ अयोध्या। जय श्री राम। ये वीडियो में आपको हमारा अयोध्या का सीरीज नज़र आएगा। अयोध्या में कैसे रहे, किन किन लोगों से मुलाकात हुआ, क्या किए, वो सब आपको ये वीडियो में आएगा। को खेलते पर रहो विदेशों में गल्ला। तो लल्ला के लिए ऐसा शब्द बोल रहे हैं। योगी जी भी तो नहीं शादी किए, वो भी संत है, वो भी कहते हम भारत जोड़ो, हम नफरत चाहते हैं। राहुल जी मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच गए हैं श्री जानकी महल में। या अभी अंदर जाते हैं एंड दर्शन करते हैं क्या कुछ है, देखते हैं। महल तो है, एटलीस्ट घूम के आते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है, देख सकते हो देखो सही। अयोध्या का हाल देखो, कितना बजा अभी 10 ऑलमोस्ट बनने को है, पूरा कोहरा ही कोहरा हो गया। ये जो शॉप है ना, ये 110 साल पुराना है। ससुर दामाद भाई कितना साल बोले भाई, 110 भाई, लेजेंडरी ससुर दामाद। मतलब अयोध्या में दुकान का नाम भी ससुर दामाद, दोनों ने चलाया और दुकान का नाम भी ससुर दामाद है। और ये सब पत्थर वगैरह, मतलब चंदन वगैरह, वाह, मतलब रियल रॉ चंदन। जी, उनका पता है ये तो। जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों, ये शायद फोर्थ या फिर फिफ्थ नंबर एपिसोड है। 1, 2, 3, 4, 5 है। एंड मैं अभी अयोध्या में हूँ, हमारे प्रभु श्री राम मंदिर के पास ही। यहाँ पे होटल है रामेश्वरम पैलेस में, यहाँ पे हूँ एंड डॉर्मेटोरी में हूँ। मस्त हमारा पूरा ग्रुप है, हम लोग सब कोई सोलो ट्रैवल मिल गए हैं, अकेले जो ट्रैवल करते हैं। सो, अभी मैं वीडियो स्टार्ट करने का कारण है क्योंकि आज है प्रभु राम का, मैंने दर्शन कर लिया एंड उसके तुरंत बाद भगवत गीता वाले मिल गए। मतलब अब हमेशा मिलते थे वगैरह, लेकिन कभी मैं नहीं लिया आज तक, क्योंकि मैं नॉनवेज खाने वाला आदमी, सच बोल रहा हूँ। फिर वो लोग मेरे को समझाए इस्कॉन वाले थे कि ऐसा वैसा सीन है, नॉनवेज खाते हो तो भी लो कि ताकि धीरे धीरे पढ़ोगे तुम्हारा मन परिवर्तन हो, अच्छा चीज़ में दो, अच्छा चीज़ तुमको नजर आए सब कुछ। ठीक है, हम लोग नहीं तो अभी पढ़ेंगे, लेकिन घर में तो लेके जाएंगे, बाद में हुआ तो स्टार्ट करेंगे कभी। जय श्री राम। एंड अभी मैं अपने दोस्तों के साथ आपको मिलवा रहा हूँ। सो भैया, हमारे दिल्ली वाले भैया, हमारे पंजाब वाले भैया, हमारे नेपाल वाले भैया। सो अभी हम हैं और बीच में है, पीछे करण है, कैमरा पीछे आपको दिखा रहा हूँ, देखिए घूमने। लेकिन पहले स्टोरी सुनिए, आप बताइए कैसे किया, आप अयोध्या कैसे आए, मतलब प्रभु श्री राम का दर्शन, जो दर्शन आज हुआ उसके बारे में बोलिए। मतलब जैसे हम लोग एंटर किए, हमारा आंख, हमारा मतलब भाई आंखों में पानी आ गया, पूरा कुछ सोच नहीं पाए भाई, पूरा सब कुछ, मतलब हमारा कुछ बयां ही नहीं कर सकते शब्दों में कि कैसा था वो एक्सपीरियंस, कैसा था, मतलब पूरा एग्जैक्टली गूज़बम्प्स, मतलब गूज़बम्प्स आ रहे थे, मतलब कुछ याद नहीं रहा भाई, मतलब दुनिया में संसार मोह माया सब भूल गए थे, मतलब सब कुछ वो लीन हो गया। हम आगे जा रहे हैं प्रभु को देखते, कूद कूद के देख रहे थे, कूद कूद दे रहा हूँ क्योंकि शायद लंबे लंबे भी कितने थे, फिर मेरे से छोटे जा रहा हूँ साइड साइड के देख रहा हूँ, पुलिस वाले मतलब थे, लेकिन मस्त था भाई, बहुत अच्छा लगा। हमारा दर्शन एक नंबर हुआ, क्योंकि जाने थे सुबह दर्शन होगा बोल के, लेकिन कैसे करके भगवान हमको फिर से घुमा के हनुमानगढ़ी से लेके, क्योंकि सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन होगा, फिर उसके बाद राम जी का दर्शन होगा। सो हमारे प्रभु का हमने दर्शन कर लिया, तो हम रैंडमली ही मिल गए। क्या सीन हुआ कि हम लोग देखो वाराणसी में, मैं और करण थे, हम लोग गंगा आरती के बाद सब लोग आए थे, सब मैं नॉर्मल खाना पीना मोज वगैरह खा खा के इधर आ रहे थे। वो वाला एपिसोड आपको बाद में मिलेगा अयोध्या के बाद, वो एक्स्ट्रा रखा हूँ गंगा आरती वगैरह का। सो रैंडमली एक रेस्टोरेंट की का भोजनालय काइंड ऑफ था, उसमें खा रहे थे। मैंने ऑर्डर किया था जो उस दिन आप देख के देखोगे, पनीर एंड काजू करी एंड रोटी, ये लोग वेज पनीर फ्राइड राइस वगैरह सब वही सब खा रहे थे। तब हम मिले रैंडमली, और दो जन गायब हो गए, वो घर चले गए क्योंकि उनका लेट हो रहा था, कुछ काम इशू आ गया। तो वो भी मिलेंगे आपको वीडियो में, मिलेंगे वो बिल्कुल, वो तो देखे होंगे ना, वो जो दोनों मस्ती खोर होते हैं, बिहारी सब पे भारी, वैसे सीन हो उन लोग का सीन है। सो भी हम लोग सब डिफरेंट स्टेट, ये तो भाई दूसरे कंट्री से आए, हमारे मित्र बन गए हमारे दोस्त, तो हम नेचुरली मिल गए एंड हमारा वाराणसी में मुलाकात हो गया। कर्नर मैं खा रहे थे और भाई लोग से मुलाकात हो गया, प्लान बना सुबह निकले
10-11 बजे चेकआउट किए, बस में बैठे हैं, तो आप तो पूरा व्लॉग देख रहे हो अभी तक का चल रहा है। तो अभी बताइए, अभी हमारा क्या क्या प्लान है, क्या क्या खाने वाले हैं? हमें खाने वाले हैं, पहले जाएं, अभी पहले जाएंगे, एक काम करें ऑरेंज जूस वगैरह पिएंगे, ठीक है? ऑरेंज जूस वगैरह तो थोड़ा डिहाइड्रेट होंगे गाइस, ठंड इतना है पानी पीना भूल जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं ना, मतलब पानी ठंड बहुत है भाई, पता नहीं माइनस लेवल का ठंड है भाई, माइनस लेवल का। आप बताएं, आप नेपाल से, लेकिन हमारे लिए माइनस लेवल का, आपके लिए माइनस लेवल का, आप तो भाई बर्फ में रहने वाले हैं, नॉर्मल है, लेकिन इसलिए तो आप कवर किए हो, हम देखो कैसे हो, हमेशा आधा जाना है। और ये हुआ इशू की अभी हमें चप्पल खरीदना है, दोनों चप्पल जाएंगे खरीदने, एंड मिलेगा चप्पल इधर से, ऑटो करेंगे फिर कुछ भी करेंगे, ये रिक्शा तो यार वो सब लोग सब दिखाएंगे वीडियो में। बिल्कुल, तो अभी हम क्या करते हैं, प्रभु का नाम जय श्री राम, जय श्री राम। और अभी हम कहाँ जाएंगे? अभी हम जाएंगे दशरथ महल के बाद सरयू पौड़ी जाएंगे, और उसके बाद सीता जी के दर्शन करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे जाते हैं, चलिए। एंड ये आपको दिखा दो, तेरा आउटफिट अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है, हम सबसे बेटर लग रहा है ऑन कैमरा। बेसिकली ये है हमारा डॉर्मिटोरी, आपको इसका डिटेल्स क्लीन करके रखे हैं, ये हम लोग क्लीन करके रखे हैं नीचे। अयोध्या का माहौल देख सकते हो, मतलब पूरा फुल वाइब आ रहा है। आगे जाते हैं, कुछ खाना पीना करेंगे, मस्त दर्शन तो हो गया सुबह प्रभु का, कितना अच्छी तरीके से। पब्लिक से भी कहना चाहिएगा, आप भी आइए जल्दी 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 दर्शन करने, अभी तो बहुत भीड़ है, अभी ही आइए, मजा कीजिए, अभी मजा आएगा, बाद में नहीं आएगा, अभी आएगा। जय श्री राम, आगे जाते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं जानकी महल, मतलब कहाँ जा रहे हैं? जानकी महल। बहुत देख सकते हो भाई, लोग सब यार बैठ गए, करना के बैठ गया, मजा बहुत मजा ना। सो हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच गए हैं श्री जानकी महल में, या अभी अंदर जाते हैं एंड दर्शन करते हैं, क्या कुछ है देखते हैं, महल तो है, एटलीस्ट घूम के आते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है, देख सकते हो देखो सही। सो सही में कण कण में राम है, बिल्कुल भाई। अभी है फिलहाल जानकी महल ट्रस्ट में, एंड एज यू ऑल कैन सी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सुंदर आर्किटेक्ट आ गया है, एंड वाओ यहाँ पे टेंपल है शायद, इट्स गुड। आई मीन यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के आना पड़ा, अंदर है काफी ज्यादा, इसका प्रॉपर एड्रेस मुझे पता नहीं, सो आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, नीदर आई एम लाइंग, मैं बड़ा चढ़ाई कुछ नहीं बोल रहा, सच में इतना ज्यादा पॉजिटिविटी है यहाँ पे आके, सो इट्स अनबिलीवेबल। हम लोग आगे जाते हैं एंड देखते हैं क्या कुछ सीन है। सो आप सब बताइए, करण भाई आप सब बताइए, कैसा कुछ फील हो रहा है? बहुत ही सुंदर है ना, वाह भाई ये तो क्या चमक रहा है भाई, फोटो तो बनता है भाई, मतलब क्या सुंदर महल है, देखिए भाई Yeah.
जय हो। सो अभी हमारे दर्शन पूरी तरीके से हो गए, जानकी माता का, शिव जी का, हनुमान भगवान का। सो ये हनुमान भगवान का, वहाँ शिव जी का है, जानकी माता, मतलब हो गया दर्शन अच्छे से। आज का दिन मतलब सुकून भरा जिंदगी में हमेशा याद रहेगा। ये वाला पे हमारे गणेश जी का मंदिर है। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। पूरा जानकी महल कितना सुंदर तरीके से चमक रहा है, एंड ये मंदिर वगैरह, एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे और है शायद। अभी तो बहुत बड़ा। अच्छा कैसे ये? कितना मस्त बनाया गया है, ये शब्दों में मैं नहीं बयां कर सकता, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। भाई अभी हम लोग चप्पल खरीदने आए हैं, दर्शन हो गया जानकी माता मंदिर में, एंड अभी दशरथ महल जा रहे हैं, देखते हैं कैसा रहता है। मैंने तो चप्पल ले लिया भाई, भाई ने भी ले लिया, क्या करें, मजबूरी में लेना पड़ता है भाई, क्योंकि नंगे पैर तो नहीं घूम सकते। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं दशरथ महल जा रहे हैं। भैया रेडी? बिल्कुल रेडी। तो हाँ, दशरथ महल हम जा रहे हैं। अभी मूर्ति वगैरह देख रहे हैं, दिखाइए। ओ हमारे प्रभु हनुमान लल्ला का मूर्ति है, कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। भाई ये गली का मुझे बहुत याद आएगा जब मैं घर जाऊंगा, क्योंकि बहुत आदत हो गया अभी दो तीन दिन आके ही। तो देख सकते हो कितना सुंदर तरीके से चमक रहा है हनुमान गढ़ी, कितना सुंदर तरीके से चमक रहा है। फिर आ गए तीसरी बार। एरिया है सुबह जहाँ पे हमने लंच किया था वो चिली पनीर वगैरह में, एंड ये है दशरथ महल। हम जाते हैं, यहाँ से आए थे हम लोग दर्शन करके प्रभु श्री राम के मंदिर से। तो आप देख सकते हो अभी हम लोग पहुंच गए हैं दशरथ महल पे, एंड अभी आगे जाते हैं, क्या चल रहा है आपको दिखाते हैं अच्छे से, एंड जय श्री राम। चलिए हम लोग आगे जाते हैं। देख रहे तो कितना अच्छा है इसका डिजाइन वगैरह, मतलब ये देखो भाई। हाँ भंडारा हो रहा है वहाँ पे, दशरथ महल बंद हो चुका है, तो भंडारा देखते हैं, कुछ खा के चलेंगे। ये सब दिखा जा रहा है, देखते हैं लेते हैं कि नहीं। भाई ये जो शॉप है ना, ये 110 साल पुराना है। ससुर दामाद मैं कितना साल बोले भाई, 110 भाई, लेजेंडरी ससुर दामाद, मतलब अयोध्या में दुकान का नाम भी ससुर दामाद, मतलब दोनों ने चलाया, दुकान का नाम भी ससुर दामाद है। और ये सब पत्थर वगैरह, मतलब चंदन वगैरह, वाह, मतलब रियल रॉ चंदन। जी उनका पता है ये, तो अब देख लीजिए, ये बहुत फेमस है गाइस, बहुत ज्यादा, मतलब 100 साल से भी ज्यादा फेमस, मतलब पुराना है। ये देखिए चंदन है, सब चंदन है, पूरा रॉ मटेरियल है, पूरा सब कुछ रॉ। देखिए भाई अयोध्या में ससुर दामाद का शॉप बहुत ही सालों पुराना है, 100 साल लगभग पुराना है, 110 साल पुराना, मतलब उधर से चंदन, प्योर चंदन मिलता है, बहुत फेमस दुकान है। अरे वाह, मूंगफली वगैरह सब कुछ मिल रहा है इधर, खाने पीने का एवरीथिंग इज देयर। वाओ, सब कुछ, मतलब एक लेन है जिसमें, वाओ कितना सुंदर, देखिए अयोध्या सुंदर अभी क्या है और दुनिया में। मैंने अभी ये दिया है चांदी के परत वाला, देखते हैं प्रभु श्री राम का, दिखाइए जल्दी, दिखाइए जल्दी दिखाइए। ये देखिए भगवान, आपने मुझे बता दिया ना अयोध्या का हाल। देखो कितना बजा अभी, 10 ऑलमोस्ट बजने को है, पूरा कोहरा ही कोहरा हो गया आसमान में, ये कोहरा है और कुछ नहीं है। भाई साहब अभी रात का 10 या फिर 10:30 बजा है, हाँ 10:30 हो चुका है, एंड इतना ज्यादा कोहरा हो चुका है, देखिए पूरा फुल, मतलब ये वीणा है
एंड पूरा फुल। सो चलिए अभी हम तो दिख नहीं पा रहे होंगे ज्यादा अच्छे से, मजे से हम लोग जा रहे हैं। ये कुछ चल रहा है, देखते हैं वो शो क्या एक चल रहा है। फॉग, बिल्कुल भाई एग्जैक्टली फॉगी। काय को खेलते पर रहा विदेशों में गल्ला, तो लल्ला के लिए ऐसा शब्द बोल रहे हैं। योगी जी भी तो नहीं शादी की, अरे रे 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 रे। वो भी संते हैं, वो भी कहते हैं हम भारत जोड़ो, हम नफरत हटाना चाहते हैं। तो बकवा फेर लो ना, बकवा फेर लो ना, कह रहे हैं मोहब्बत का जुगाड़ भूल रहे हैं। तो बकवा फेर लो ना राहुल जी, संत बन जाओ ना। जय श्री राम, जय। सन्यासी बन जाओ राहुल, अगर सन्यासी बन गए तो आप क्या करने वाले हैं? साथ हो जाएंगे उनके, साथ हो जाएंगे। तो जय राहुल करेंगे, जय राम करेंगे, जय राम करेंगे। वीर सोनिया माता के लिए क्या संदेश देंगे? कुछ नहीं। सोनिया जी तो बोलिए जय श्री राम। इनका मकसद क्या है? क्या मकसद है? हमारा मकसद है राम जी के चरणों में रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, सेवा करनी है और फल पाना है। ये संगीत है, संगीत को और आप संगीत भी गा रहे थे, तो आप हमारे साथ कोई एक गीत राम के लिए सुना सकते हैं क्या? क्योंकि ये बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं, वो बजा के और सभी लोग डांस भी करेंगे, नाचेंगे, एक ही गीत सुनेंगे लेकिन सब लोग राम के लिए झूमेंगे। तो शुरू करते हैं और सब लोग झूमेंगे। तो आइए भैया, हम एक गीत शुरू करने जा रहे हैं प्रभु श्री राम के लिए, जयकारे से शुरू करेंगे। बोलिए प्रभु सियावर रामचंद्र की जय। देखिए भैया गाएंगे, नहीं एक गाएंगे खुद और बजाते, दोनों साथ में गाएंगे। आप बोलो यार, एक थक गए हैं चाचा, थक गए हैं, आप कुछ बोले। उम्र में थक गए और चाचा की भी देख लीजिए, एक कहीं ना कहीं आप थक गए हैं। समय नहीं सोऊंगा मैं, मेरी बात सुनो। मैं इसमें पहली बार आया हूँ, मैं उधर अमरनाथ जाता हूँ, मणि में जाता हूँ। भोलेनाथ के जितने मर्जी भजन सुन मेरे से, चाहे सारा सुन लिया। आप सुनाइए, आप सुनाइए, आप सुनाइए भैया। हमारे थैली में 10 रुपए छुट्टा, आप ले लीजिए, नहीं दिखाएंगे कुछ। तो भैया आप ताली बजा दीजिए इनके लिए, अब गीत सुनाएंगे। सुनो, जब सुनाऊंगा प्रेम से सुनना, बिल्कुल उल्लंघन न करना। नहीं, राम की खुशी है तो नाचेंगे सब लोग, नाचेंगे तो है, तो ऐसा गीत सुनाएंगे सब लोग झूमेंगे। तो चाय पियेंगे कुल्लड़ में और राम नाम की हुल्लड़ में। जय जय श्री राम, जय श्री राम। कैसी सजी रे मेरी ये अवध नगरिया, कैसी सजी रे मेरी अवध नगरिया, के मैं तो नाचू रे डर के कल। भाई कुछ तो नजर आना चाहिए भाई, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है भाई। इसी को तो कहते हैं कृपा भाई, दिख ही नहीं रहा है कोई भाई। भाई 1000 लाइट अंतर से जाना पड़ेगा।